नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज गुरुजी में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और शानदार वीडियो, जो कि है दुनिया के सबसे बड़े पक्षी के बारे में। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? अगर नहीं जानते तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुतुरमुर्ग जिसे स्ट्रुथियो कैम्बलस के नाम से जाना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है तथा यह ऊंचाई और वजन दोनों के मामले में सबसे बड़ा है। दोस्तों, शुतुरमुर्ग अफ्रीका के मूल निवासी उड़ान रहित पक्षी है और भूमि पर सबसे तेज दौड़ने वाले पक्षियों में से एक है, जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे लगभग 43 मील प्रति घंटे तक की गति तक पहुँचने में सक्षम होते हैं। नर शुतुरमुर्ग 8 से 9 फीट लंबे होते हैं और लगभग 156 किलोग्राम तक वजन कर सकते हैं, जबकि मादाएं थोड़ी छोटी होती हैं, जो कि 5.5 फीट से 6.5 फीट तक लंबी होती हैं तथा इनका वजन लगभग 90 किलोग्राम तक होता है। शुतुरमुर्ग की लंबी गर्दन और पैर होते हैं तथा उनके पंख संतुलन के लिए अनुकूलित होते हैं, ना कि उड़ने के लिए। दोस्तों, शुतुरमुर्ग को उनके मांस, अंडे और पंखों के लिए पाला जाता है और यह अफ्रीका में एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण का केंद्र भी है। अपने बड़े आकार के बावजूद शुतुरमुर्ग तेजी से दौड़ने और तेजी से चलने में सक्षम होते हैं, जिससे उन्हें शिकार करना या पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। शुतुरमुर्ग पहली बार अफ्रीका में खोजे गए थे और वे लाखों वर्षों से इस महाद्वीप पर मौजूद हैं। वे अपने मांस, अंडे और पंखों के लिए 2500 ईसा पूर्व के आसपास प्राचीन मिस्र में पालतू माने जाते थे तथा आज वे अभी भी अपने मांस और पंखों के साथ साथ पर्यटन उद्देश्यों के लिए जाने जाते हैं। शुतुरमुर्ग अत्यधिक अनुकूलनीय पक्षी हैं और विभिन्न प्रकार के वातावरण में पनपने में सक्षम होते हैं। वे लगभग 45 मील प्रति घंटे की गति से दौड़ने में भी सक्षम होते हैं, जो उन्हें दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी बनाता है। अपने बड़े आकार और शक्तिशाली पैरों के बावजूद शुतुरमुर्ग आक्रामक जानवर नहीं होते हैं और आमतौर पर खतरे का सामना करने के बजाय ये खतरे से भाग जाते हैं। वे सामाजिक प्राणी भी हैं और समूहों में रहते हैं, जिन्हें झुंड कहा जाता है, जो लगभग 5 से 50 पक्षियों तक का हो सकता है। कुल मिलाकर शुतुरमुर्ग आकर्षक और अनोखे जानवर होते हैं, जो हजारों वर्षों से अफ्रीकी संस्कृति और इतिहास का हिस्सा बने हुए हैं। दोस्तों, शुतुरमुर्ग पक्षी की सबसे बड़ी जीवित प्रजाति है और इसका वजन 330 पाउंड तक हो सकता है। वे उड़ान रहित पक्षी हैं, जो खतरे से बचने के लिए दौड़ने और शक्तिशाली पैरों पर भरोसा करते हैं। शुतुरमुर्ग 43 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। उनके लंबे पैर शक्तिशाली किक भी दे सकते हैं, जो शिकारियों के लिए घातक हो सकती हैं। शुतुरमुर्ग के छोटे सिर, बड़ी आंखें और लंबी गर्दन होती हैं। उनके पास काले और सफेद प्राथमिक पंखों और भूरे रंग के द्वितीयक पंखों के साथ एक अलग पंख पैटर्न है तथा ये शुतुरमुर्ग अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए अपनी त्वचा का रंग बदलने की एक अनोखी क्षमता रखते हैं। वे अफ्रीका के मूल निवासी हैं और सवाना घास के मैदानों और अर्ध रेगिस्तान में पाए जा सकते हैं। शुतुरमुर्ग सर्वाहारी होते हैं और विभिन्न प्रकार के पौधे, बीज, कीड़े और छोटे कशेरुक खाते हैं। उनके पास 4 कक्षीय पेट होता है और वे कठिन पौधों की सामग्री को भी आसानी से पचा सकते हैं। शुतुरमुर्ग सामाजिक पक्षी हैं और समूहों में रहते हैं, जिन्हें झुंड कहा जाता है। संभोग के मौसम के दौरान नर शुतुरमुर्ग संभोग नृत्य करते हैं और माताओं को आकर्षित करने के लिए दहाड़ते हैं। मादाएं अपने अंडे सामुदायिक घोंसले में रखती हैं और झुंड के सभी सदस्य बारी बारी से अंडे को सेते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे किसी भी पक्षी प्रजाति में सबसे बड़े होते हैं और इनका वजन लगभग 3 पाउंड तक हो सकता है। अंडे का छलका इतना सख्त होता है, जिसे उबालने में करीब 40 से 45 मिनट का समय लगता है। शुतुरमुर्ग के बच्चे अंडे से निकलने के कुछ ही घंटे बाद चलने में सक्षम होते हैं तथा
जंगल में एक शुतुरमुर्ग की उम्र लगभग 30 से 40 साल की होती है। शुतुरमुर्ग की एक अनोखी आवाज होती है जो कम पिच वाले बूम या ड्रम बीट की तरह लगती है। शुतुरमुर्ग के पास एक उत्कृष्ट दृष्टि होती है और लगभग वे 2.5 मील दूर तक आसानी से देख सकते हैं। है ना हैरत अंगेज करने वाली बात दोस्तों। शुतुरमुर्ग बहुत अच्छी तरह से सुन सकते हैं और कम आवृत्ति वाली आवाजें उठा सकते हैं जो मनुष्यों के लिए अश्रव्य होती हैं। उनके पास गंध की एक शक्तिशाली भावना होती है जिसका उपयोग वे शिकारियों का पता लगाने के लिए करते हैं। शुतुरमुर्ग में अत्यधिक विकसित प्रतिरक्षा प्रणाली होती है और यह अन्य जानवरों को प्रभावित करने वाली कई बीमारियों का प्रतिरोध कर सकती है। उनके मांस, त्वचा, पंख और अंडे के लिए उनका पालन किया जाता है। शुतुरमुर्ग को हजारों सालों से पालतू बनाया गया है और इसका इस्तेमाल परिवहन, रेसिंग और खेती के लिए किया जाता है। विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए पारंपरिक चिकित्सा में शुतुरमुर्ग के तेल का उपयोग किया जाता है। प्राचीन मिस्र और ग्रीक संस्कृतियों सहित पूरे इतिहास में शुतुरमुर्ग को कला और पौराणिक कथाओं में चित्रित किया हुआ है तथा शुतुरमुर्ग का वैज्ञानिक नाम, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है, स्ट्रुथियोकैमलस है। शुतुरमुर्ग का शिकार उनके पंखों के लिए किया गया है जिनका इस्तेमाल 19वीं शताब्दी में टोपी और कपड़ों को सजाने के लिए किया जाता था। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा शुतुरमुर्ग को सबसे कम चिंता की प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है तथा जलवायु परिवर्तन और निवास स्थान का नुकसान जंगली शुतुरमुर्गों की आबादी के सामने सबसे बड़ा खतरा है। तो दोस्तों, ये कुछ तथ्य थे शुतुरमुर्ग के बारे में, जो कि है दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं हमारी एक और आने वाली नई वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर तथा कमेंट जरूर करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल नॉलेज गुरुजी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।